जय माता दी। मैं संगीता ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो आ गए हैं हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको संकट चौथ तिल चौथ व्रत की कथा जो है बताएंगे। इस व्रत की विधि भी आपके साथ शेयर करेंगे और उदापन कैसे करते हैं, व्रत की क्या विधि होती है, वो भी सब हम आपको विस्तृत रूप में इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे पहले हम आपके साथ इस व्रत की कथा शेयर करेंगे। और हम आपको पहले बता दें कि देखिए, इसमें ना अलग अलग जगह में अलग अलग कथाएं हैं, कई जो है कथाएं इस व्रत से जुड़ी हुई हैं। तो हम जो इस व्रत की कथा आपके साथ शेयर करेंगे, वो जो सबसे ज़्यादा सुनी जाती और प्राचीन कथा है, एक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की, और साथ ही बहुत महत्व है इस दिन विनायक महाराज जी, जो गणेश जी का ही रूप है, उनकी कथा सुनने का, वो भी हम आपको इस वीडियो में कथा सुनाएंगे। ये दोनों कथाएं आपको इसी वीडियो में मिलेगी, जिसका बहुत महत्व होता है इस व्रत के दिन सुनने का। गणपति गणेश जी, आप सबको पता है, विघ्न हरता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले, पूजा शुरू करने से पहले, हर काम में सबसे पहले गणपति महाराज जी को ही याद किया जाता है, क्योंकि वो सभी विघ्नों को हर लेते हैं। इसीलिए उनका नाम विघ्न हरता गणपति गणेश जी है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम गणपति गणेश भगवान जी की कथा प्रारंभ करते हैं, जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है। ये बात तब की है जब भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ था। तो भगवान विष्णु जी ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया विवाह के लिए। सभी देवी देवता विवाह के दिन वहां पर उपस्थित हो गए, लेकिन भगवान विष्णु जी ने गणपति गणेश जी को आमंत्रण नहीं भेजा और गणपति गणेश जी आए भी नहीं उस दिन। तो क्या हुआ, सभी देवी देवता जब उपस्थित हो गए तो वो देखकर हैरान हो गए कि गणपति गणेश जी तो यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। तो इस विषय में उन्होंने भगवान विष्णु जी से पूछा, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, जी पार्वती सभी थे वहाँ पर, देवगण। तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से पूछा कि क्या आपने गणपति गणेश जी को आमंत्रण नहीं भेजा, वो तो यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैंने तो शिव जी भगवान को आमंत्रण भेजा था, और गणपति गणेश भगवान तो शिव जी भगवान के ही पुत्र हैं ना, उनके ही परिवार में हैं। तो अगर उनको आना होता तो वो शिव भगवान के साथ ही अपने परिवार में आ सकते थे, तो उनको अलग से तो मैंने कोई निमंत्रण नहीं भेजा, तो वो नहीं आए। तो सभी देवी देवताओं ने बोला, ऐसा तो नहीं है, भगवान गणपति गणेश भगवान को बुलाना तो बहुत ज़रूरी है, तो उनको तो बुलाना ही चाहिए। तो भगवान विष्णु जी ने बोला कि देखिए, गणपति गणेश भगवान जी का तो सबको पता है, ढाई सेर अनाज, ढाई सेर लड्डू, मतलब कि उनका खाना पीना, तो उनको बारात में ले जाकर क्या करेंगे। तो बीच में देवी देवताओं ने बोला, ऐसा करेंगे कि गणपति गणेश भगवान तो बहुत भोले हैं, तो उनको हम कहेंगे कि आपका जो वाहन है चूहा, वो तो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो आपने बारात में जाकर क्या करना है, तो आप यहीं पर द्वार पर रहिएगा, तो हम जाकर वापस आ जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने गणपति गणेश भगवान जी को बुला तो लिया, भगवान शिव ने नंदी जी को भेजा और गणपति जी को बुलावा भेज दिया, लेकिन उनको इन बातों में उलझाकर वहीं पर द्वार पर छोड़कर चले गए और बारात आगे विवाह के लिए निकल गई। तो जैसे जैसे बारात आगे जाती है, नारद जी का तो हमें पता ही है, नारद जी आते हैं भगवान गणेश जी के पास पूछने, आप बारात में नहीं गए? तो गणेश जी कहते हैं कि मुझे यहीं पर द्वार पे बिठाया है और बारात चली गई है। तो नारद जी उन्हें बोलते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है, इसमें तो आपका अपमान है, तो आप ऐसा करो, आप अपने चूहों की सेना भेजो और उनकी बारात की आगे की मिट्टी खुदवा दो।
जिससे बारात आगे जा ही नहीं पाएगी तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो गणेश भगवान जी को भी इससे क्रोध आया, रुष्ट हुए कि ये तो सही बात है, इसमें तो मेरा अपमान है। तो उन्होंने अपनी चूहों की सेना भेजी और सारी बारात के आगे की मिट्टी खुदवा दी। बारात में जो सब जा रहे थे वो मिट्टी में धंसने लग गए और बारात को आगे जा ही नहीं पाए। जो उनके रथ चल रहे थे उसके पहिए मिट्टी में घुस गए और रथ के पहिए टूटने भी लग गए। तो सबने बोला ये क्या हुआ। तो नारद भगवान जी वहाँ भी आए और नारद भगवान जी ने बोला कि आपने गणेश भगवान जी का अपमान किया है, इससे वो रुष्ट हुए हैं। सबको पता है कि सर्व पूज्य गणपति गणेश भगवान सबसे पहले तो उन्हीं को बुलावा जाता है, उन्हीं की पूजा होती है और आप उन्हीं को भूल गए, ये तो बहुत गलत हुआ, इससे भगवान रुष्ट हुए हैं। तो ये सभी देवता जो है इसको मानते हैं और समझे भी, भगवान विष्णु भगवान भी समझे। तो वो सब गए और गणपति गणेश भगवान जी को मनाया और उनको भी बारात में लेकर आए और सबसे आगे उनको चलाया। अब बारात तो चल पड़ी, लेकिन जो रथ के पहिए जो टूट गए थे अब वो रथ नहीं चल रहे थे। तो वहीं पर उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में एक किसान जो अपने खेतों में काम कर रहा है। तो उस किसान को भगवान बुलाते हैं, विष्णु भगवान, और कहते हैं कि ये हमारे रथ के पहिए टूट गए हैं, क्या तुम ये भी ठीक कर दोगे। तो किसान कहता है कि बिल्कुल जी, मैं रथ के पहिए भी ठीक कर देता हूँ, मैं ये काम भी जानता हूँ। वो रथ के पहिए ठीक करता है और साथ में बोलता है, आपकी बारात में कोई विघ्न पड़ा है मुझे लगता है। तो आपने सबसे पहले गणेश भगवान जो जी को नहीं बुलाया होगा शायद। तो सब देखने लगते हैं एक दूसरे की तरफ कि हाँ, हमसे गलती तो यही हुई है। तो वो कहता है, हम लोग तो जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, जब भी कुछ करते हैं, सबसे पहले गणपति गणेश जी को पूजते हैं, वो सारे विघ्न हर लेते हैं। तो ये तो हम लोग भी जानते हैं, तो आप तो भगवान हैं, क्या आप लोगों को ये नहीं पता था कि सबसे पहले भगवान गणेश जी को ही बुलाना है। रथ पहिए ठीक करता है और जाता है। इस तरह जो सभी देवी देवता हैं उनको अपनी गलती का आभास होता है। जानते तो सब कुछ हैं लेकिन वो भी भगवान की माया होती है कि एक क्षण के लिए भूल जाते हैं या थोड़ा सा अहंकार आ जाता है या मनुष्य को ही ये समझाने के लिए लीलाएँ रचते रहते हैं। तो उनको अपनी गलती का आभास होता है कि जो चीज़ मनुष्य भी जानते हैं वो हम कैसे भूल गए। सर्व पूज्य गणपति गणेश भगवान सर्व विघ्न हर्ता। तो इस तरह से वो जाते हैं गणपति गणेश भगवान जी को ले जाकर और सारा विवाह संपन्न करके वापस लौटते हैं। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय। तो इस तरह ये कहानी है गणपति गणेश भगवान जी की, संकट चौथ की, जो सब संकट हर लेते हैं। इसी के साथ देर न करते हुए आप दूसरी कथा सुन लीजिए जो इसी संकट चतुर्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विनायक भगवान जी की कथा है, जो इस दिन ज़रूर सुनी जाती है। अगर आप व्रत रखते हैं या व्रत ना भी रखते हैं, इस कथा सुनने का बहुत महत्व होता है। अगर आप व्रत ना भी रखते हो तब भी आप ये कथा सुन सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक देवरानी जेठानी एक गांव में रहते थे। उसकी जेठानी बहुत ही गरीब थी और देवरानी बहुत अमीर, मतलब कि उस गांव में अच्छी थी। तो जेठानी जो थी उनके पास कोई काम नहीं था, तो ना खाने के लिए अन्न होता था पर्याप्त मात्रा में, ना घर अच्छा था। तो उसका पति भी मेहनत मजदूरी करता था, कभी मजदूरी मिली तो घर में अन्न आ गया, कभी नहीं की तो भूखे प्यासे सो गए। तो जेठानी इस तरह देवरानी के घर पे काम करने जाती थी और देवरानी उसको शाम को कुछ बचा कुचा खाना दे देती थी। इस तरह से उसका घर चलता था। तो वो हर रोज़ देवरानी के घर खाना बनाने जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी देवरानी को गुस्सा आ गया और उसने उसको घर से निकाल दिया कि मुझे आज कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चली जाओ और मुझे खाना आज नहीं बनवाना, काम नहीं करना। तो जेठानी ने उस दिन संकट चतुर्थी का व्रत रखा था। वो हर संकट चतुर्थी को भगवान विनायक जी का व्रत रखती थी और भगवान विनायक जी के लिए तिल कुट बनाकर बाहर
एक मटका होता है उसमें टंगा देती थी, जिसमें उसे ये मन की भावना होती है कि रात को भगवान आएंगे और भोग लगा कर जाएंगे। तो उस दिन भी उसका संकट चतुर्थी का व्रत था, लेकिन देवरानी ने उस दिन घर पे काम करवाया नहीं और उसको खाने को कुछ मिला नहीं, बच्चों के लिए कुछ लेके नहीं आई। तो बच्चे रोते चिल्लाते रहे। तो शाम को उसका पति घर आता है तो बोलता है खाना दो, बच्चे भी रो रहे हैं। तो बेचारी कहाँ से खाना दे, आज तो कुछ काम नहीं हुआ। तो उसके पति ने उसको भी मारा पीटा और कोने में फेंक दिया। वो रोती रही और वो भी सब सो गए। तो उस दिन तो उसका संकट चतुर्थी का व्रत था। भगवान गणपति गणेश आए और उसको बोलते हैं कि मुझे तो पोटी आ रही है, मैं कहाँ पोटी करूँ। तो वो भी बेचारी मार खाकर एक कोने में पड़ी थी। तो उसने कहा सारा ही घर शौचालय है, जहाँ मर्जी कर दो, गरीबी दरिद्रता तो है। तो उस दिन विनायक महाराज जी का जो था बैठक थी वो सेठ के घर थी, वहाँ से वो हीरे मोती ज्वारत खाकर आए थे। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर पोटी कर दी। और उन्होंने कहा अब हाथ साफ करने में हाथ किससे साफ करूं। तो जेठानी बोलती है बाल है मेरे, इसी से कर लो, धोए थे आज। तो उससे अपने हाथ साफ करते हैं और विनायक भगवान चले जाते हैं। सुबह जेठानी जब उठती है तो जगह जगह हीरे मोती ज्वारा जो वो पोटी करके विनायक भगवान गए थे, उसका घर खुशियों से धन समृद्धि से भर कर चले गए। तो देवरानी सोचती है आज जेठानी मेरे घर काम करने नहीं आई। तो देवरानी अपने बच्चे को भेजती है जेठानी को बुलाने के लिए कि उसको बुलाओ और काम के लिए बोलो कि घर में काम करने के लिए आ जा। लेकिन उसका बच्चा बुलाने आता है तो जेठानी बोलती है मेरा तो खुद का ही काम नहीं आज समेटा जा रहा, तो मैं कहाँ से काम करने आ जाऊँ, आज तो कोई मेरे घर ही आ जाए काम करने। बच्चा देखता है और जाके माँ को बताता है। तो वो सोचती है उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया। तो जाती है और उससे सारी बात पूछती है। जेठानी भोली उसने सब कुछ बता दिया, ऐसा वैसा हुआ, मैंने व्रत रखा था, विनायक भगवान जी आए और ऐसा ऐसा उन्होंने कहा और यहाँ पर ये सब कुछ देकर चले गए। तो देवरानी ने भी ऐसा ही किया, उसने भी व्रत रख लिया, लेकिन उसके मन में लालच था। तो उसने व्रत रखा तो रात को विनायक भगवान जी आए और विनायक भगवान जी कहते हैं मुझे पोटी आ रही है, मैं कहाँ पर करूँ। तो उस दिन विनायक भगवान जी की जो बैठक थी वो थी तेली के घर में। तो विनायक भगवान जी वहाँ से वही सब कुछ खाकर आए हुए थे। तो वो भी कह देती है कि हाँ मुझे तो बहुत धन संपदा मिलेगी। कहती है जहाँ मर्जी कर दीजिए, पूरा घर आप ही का है। तो विनायक भगवान जी जगह जगह पोटी कर देते हैं, कहते हैं अब हाथ कैसे साफ करूँ। तो कहती है मेरे बालों से कर दो। तो विनायक भगवान जी हाथ साफ करते हैं और जाते हैं। जब वो सुबह उठती है तो जगह जगह पोटी गंद बिखरा हुआ, पूरे घर में गंदगी हुई पड़ी है और वो चिल्लाती है रोती है ये क्या हुआ, वो साफ कर करके भी नहीं जा रही है। तो विनायक भगवान जी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मन में लालच था, उसके मन में श्रद्धा थी, उसको वो मिला। तुम्हारे मन में लालच था और जो मन में भरा था वही इस घर में भी भर गया और तुम्हें ये मिला। इसलिए कभी भी लालच ना करो, पूरी श्रद्धा भाव से ही भगवान की भक्ति करो। जो भगवान ने देना है हमें वो तो समय आने पर खुद ही दे देंगे। तो इस तरह से कहते हैं जो विनायक भगवान जी ने जिठानी के साथ किया वो सबके साथ करें और जो देवरानी के साथ किया वो किसी के साथ ना करें। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय, विनायक भगवान की जय, सबके संकट हरे, सबके विघ्न हरे। तो ये भगवान गणपति गणेश जी की कथा थी जो संकट चतुर्थी के दिन ज़रूर सुननी चाहिए और सबको सुनानी चाहिए। कहते हैं जो कथा सुनता है हुंकारा भरता है उसका भी भला होता है और जो कथा सुनाता है उसका भी भला होता है। सबके संकट गणपति गणेश भगवान जी हरते हैं। तो अगर व्रत ना भी रखा जाए तो ये कथा सुने और जितना हो सकता है दूसरों के कानों में भी डालें। तो इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर कुछ भी अच्छा हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ एक दूसरे की चुगलियां होती हैं, वो हम एक को सुनाते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, फैलाते हैं, उससे क्या मिलता है हमें, बुराई मिलती है, बुरे कर्म मिलते हैं। लेकिन कुछ अच्छा है वो सुनाओ, वो फैलाओ,
हमें यही मतलब नहीं होता कि इस वीडियो को शेयर करने का कि हमारी वीडियो शेयर हो रही है, लेकिन ये भी होता है कि हमारे वजह से आपके थ्रू किसी दूसरे तक भी कोई अच्छी बात पहुंच रही है, कोई अच्छी कथा पहुंच रही है, उसका भी कुछ भला हो रहा है और हमारे हाथों से भी ये भला काम हो रहा है। तो अगर कुछ अच्छा हो, अच्छा लगे, तो हमें ज़रूर दूसरों को भी सुनाना चाहिए, उन तक पहुँचाना चाहिए, तो इसलिए शेयर भी ज़रूर करना चाहिए। तो इसी के साथ ये कथा संपन्न होती है। बोलो गणपति गणेश भगवान जी की जय।